हेलो क्लास 10, इट्स स्पेशली अगेन हियर। वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर रिप्रोडक्शन। हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट पहले पढ़ लिया है, जिसके हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी के इन बिटवीन क्वेश्चंस है, ब्लू क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3 पहले डिस्क्राइब हो चुके हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं ना, वो एक प्रोटेक्टिव पार्ट होते हैं, स्पोरेंजिया जो होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन सबसे पहले असेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। स्पोर्स फॉर्म्ड आर कवर्ड विद अ थिक वॉल्स, उनके ऊपर स्पोर्स के ऊपर एक थिक वॉल्स लगी होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है एडवर्स कंडीशन से भी। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, जब उसको अच्छी कंडीशंस मिलती हैं, जैसे मान लो मॉनसून सीजन में वो ब्रीड करते हैं, तो उस टाइम अच्छी कंडीशंस उनको मिली तो उनकी प्रोटेक्टिव वॉल जो ऊपर जो स्पोरेंजिया कवर्ड होता है ना, वो कवर उसका टूट जाएगा, उसकी प्रोटेक्टिव वॉल टूट जाएगी और वो नए ऑर्गेनिज्म में वहाँ से ग्रो करने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी वो जहाँ भी नीचे की ओर गिरेंगे या जो उसके छोटे छोटे डॉट डॉट सी होती है, जो उसके स्पोरेंजिया के ऊपर होल्स होते हैं, वो सारे रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है, स्पोर्स आर वेरी लाइट इन वेट। स्पोर्स बहुत लाइट होते हैं वेट में एंड दे कैन ईजिली गेट डिस्पर्स थ्रू विंड। हवा चलेगी तो वो सारे बिखर जाएंगे इधर उधर, तो वो सारे डिस्पर्स हो गए, विच गिव देम मोर वेरिएशंस एंड सर्वाइवल चांसेस। यानी उससे क्या होगी, उनमें सर्वाइवल चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे और वेरिएशंस भी ज़्यादा होंगे। क्लियर। पहले पॉइंट बताया मैंने कि स्पोर फॉर्मेशन असेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। स्पोर्स के ऊपर जो कवरिंग होती है वो उसे अनफेवरेबल कंडीशन में भी एग्जिस्ट करने से हेल्प करती है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती है तो उसकी वो वॉल ब्रेक हो जाती है और ये हवा से या किसी भी तरीके से सारे बिखर जाते हैं। स्पोर्स जितने भी हैं, वो सारे स्पोर्स अगर बिखर जाएंगे तो वहाँ पर जाके वो रिप्रोड्यूस करेंगे और इससे उनको एक सर्वाइवल के लिए वेरिएशन का एडवांटेज भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन यू थिंक ऑफ द रीजंस व्हाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू रीजनरेशन। जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ह्यूमंस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों हैं, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर हैं। इनकी बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स हैं, स्पेशलाइज सेल्स इन द सेंस कि हार्ट के सेल्स अलग हैं, ब्रेन के सेल्स अलग हैं, हार्ट के अलग हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग हैं, रेस्पिरेटरी सेल्स अलग हैं। तो हर तरह के सेल्स अलग अलग हैं। अगर बाय चांस कहीं से हम कहें कि इस सेल ने रिप्रोड्यूस कर दिया, तो वो एक सेल रिप्रोड्यूस करके क्या करेगा, बाकी सब चीज़ें तो नहीं अपने आप बन सकती ना। एक चीज़ बन भी गई आपकी, मान लो हार्ट वाले सेल ने रिप्रोड्यूस कर दिया, तो हार्ट बन गया तो बाकी पार्ट्स कैसे बनेंगे बॉडी के। ठीक है, तो रीजनरेशन हम लोगों में पॉसिबल नहीं है कि कोई भी डैमेज पार्ट है उससे दोबारा बन जाए। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स। हमारी बॉडी में स्पेशलाइज सेल्स हैं विच फॉर्म टिश्यूज, जो टिश्यूज बनाते हैं, एंड टिश्यू फॉर्म ऑर्गन्स, और टिश्यूज क्या बनाती हैं आगे, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। दीज ऑर्गन्स आर प्लेस्ड एट अ डेफिनेट पोजिशन इन द बॉडी। अब सभी ऑर्गन अपनी अपनी डेफिनेट पोजिशन पर बैठे होते हैं। हार्ट अपर पार्ट में होते हैं बॉडी के, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा स्टमक के आसपास है, और ऐसे ही लेग्स में क्या होती है, बॉन्स हैं, मसल्स हैं। तो इन दिस ऑर्गेनाइज सिचुएशन इट इज़ नॉट ईजी टू डेवलप ऑर्गेनिज्म थ्रू रीजनरेशन। अगर किसी की टांग कट जाती है तो वहाँ से टांग दोबारा थोड़ा ना उठ सकती है। ठीक है ना, क्योंकि हर टिश्यू के अलग अलग फंक्शन है। इसका मेन कारण है स्पेशलाइज टिश्यू ही कर सकते हैं रीजनरेशन, नॉर्मली सब टिश्यू नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is vegetative propagation practiced for growing some type of plants? ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कुछ टाइप के प्लांट्स को उगाने के लिए यूज होता है, सबके लिए नहीं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेक पॉसिबल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनानास, ऑरेंज, रोज, जास्मिन, दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। इन सब प्लांट्स में, बनाना ऑरेंज में, जिनकी कैपेसिटी नहीं है अब सीड बनाने की, जो सीड नहीं बना रहे हैं, तो उनके लिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पॉसिबल हो जाती है। वहाँ पे ये काम करता है काम, यानी जो भी प्लांट्स अपने सीड नहीं डेवलप कर सकते, वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स विच रिक्वायर लॉन्गर टाइम टू ग्रो एंड बिकम मैच्योर। जिन प्लांट्स को उगने में बहुत लंबा टाइम लगता है, वहाँ पर भी आप इस मैथड को यूज़ करते हो, बिकॉज ये मैथड जो है बहुत लेस टाइम लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन असेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। जो क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस में, उन्हीं में इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है पेरेंट्स के। ठीक है, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, सेल में। सेल में ही वो जो क्रोमोसोम्स हैं वही डीएनए की इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में। कैसे, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। सो बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी फॉर नेक्स्ट जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट क्या है, उस डीएनए को क्रिएट करना जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ये बेसिक इवेंट है। राइट,